रोबोट डिलीवरी वैन स्वड्राइविंग कारों से पहले आपकी स्ट्रीट मार सकता है। क्योंकि हर प्रमुख ऑटोमेकर और दर्जनों तकनीकी कंपनियां उबेर कारों और टैक्सी बेड़े में ड्राइवरों को बदलने की दौड़ में है, यूरो पूरी तरह से इंसानों की अनदेखी कर रहा है और अमेजोन कॉम यूनाइटेड पार्सल सर्विस और इसके ई कॉमर्स कारोबार के निर्माण की तलाश में किसी रिटेलर के लिए स्टीयरिंग करती है। सह संस्थापक डेव फर्ग्यूसन ने कहा, हमें एहसास हुआ कि हम इसे किसी भी समय कहीं भी वितरित करना संभव बना सकते हैं। हम इसे एक स्थानीय टेलीपोर्टेशन सेवा कहते हैं। ड्राइवरहीन ड्राइविंग का भविष्य अजीब टोपी के साथ विशाल टोस्टर की तरह दिखता है। यह एक नया स्वायत्त वाहन का सन्निकटन है जो पिछले महीने 18 नवंबर को लॉन्च होने के बाद से न्यूरो, एक सिलिकॉन वैली स्टार्टअप द्वारा इसकी व्यावसायिक योजना के बारे में गुप्त रहा था। पहलियों पनूरों की चमकीली कम से कम उपकरण में बोलने के लिए दरवाजे या खिड़कियां नहीं हैं, क्योंकि ये पैकेज नहीं लोग होंगे। क्योंकि हर प्रमुख ऑटोमेकर और दर्जनों तकनीकी कंपनियां उबेर कारों और टैक्सी बेड़े में ड्राइवरों को बदलने की दौड़ में है, यूरो पूरी तरह से इंसानों की अनदेखी कर रहा है और अमेजोन कॉम यूनाइटेड पार्सल सर्विस और इसके ई कॉमर्स कारोबार के निर्माण की तलाश में किसी रिटेलर के लिए स्टीयरिंग करती है। सह संस्थापक डेव फर्ग्यूसन ने कहा, हमें एहसास हुआ कि हम इसे किसी भी समय कहीं भी वितरित करना संभव बना सकते हैं। हम इसे एक स्थानीय टेलीपोर्टेशन सेवा कहते हैं। न्यूरो की डिलीवरी पॉड का वजन करीब 1500 पाउंड होता है, जिनमें से ज्यादातर बड़े पैमाने पर बैटरी पैक में पैक होते हैं, जो कि बिजली की मोटर को शक्ति देता है। यह परंपरागत एसयूवी के समान लगभग समान लंबाई और ऊंचाई है, लेकिन केवल 3.5 फीट चौड़ा है। एक ग्लास विंडशील्ड है, ज्यादातर बस दूसरे ड्राइवरों को गुस्से में रखने के लिए। प्रत्येक मॉड्यूलर अनुकूलन योग्य इंटीरियर के साथ आएगा, जो 250 पाउंड ले सकता है। एक किरण अलमारियों और प्रशीतन के लिए विकल्प चुन सकेंगे। एक सूखी क्लीनर फांसी के रैक के साथ जा सकते हैं, जबकि क्रेगलिस्ट के अटैचमेंट्स को फिर बदल करने वाले पीयर टू पीयर संस्करण में कुछ हैंकरिंग स्ट्रेप्स के साथ दो खाली कार्गो बे हो सकते हैं, फर्ग्यूसन ने कहा। हमने एर्गोनोमिक प्रयोगों के समय का एक गुच्छा बिताया है, स्वयं ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के स्पेक्ट्रम के साथ। जेटसंस से कार के बीच कहीं नूरों का कार्गो वाहन गिरता है और उन स्मार्ट सूटकेस में से एक है जो हवाई अड्डे के आसपास यात्रियों का पालन करते हैं, सुनिश्चित करने के लिए बाजार बड़े पैमाने पर है। यूपीएस अकेले एक दिन में 1.9 लाख पैकेज भेजती है। प्रबंधन और पायलटों को छोड़कर यह लगभग 353,000 लोगों को रोजगार देता है और मुआवजे और लाभों पर हर बिक्री के 57 सेंट का खर्च करता है। रोबोट कारें इस बीच समीक्षा समय पर बातचीत करने और कुछ बिजली के लिए केवल पूछना आसान है। बेशक न्यूरोपॉचेस पर जमा अमेजन प्रधानमंत्री पैकेज नोटिस करने के लिए पहली कंपनी नहीं है। फोर्ड नए डोमिनोज की पिछली गर्मियों के साथ मानव मुक्त पिज्जा डिलीवरी का परीक्षण शुरू किया। टोयोटा ने इस महीने लास वेगास में डिलीवरी वाहन चलाया। डब्डी पैलेट फ्यूचरिस्टिक वैन पहले से ही Amazon.com और पिज्जा हट के साथ भागीदारी कर चुका है। रेनॉल्ट निसान ने सितंबर में एक ड्राइवर रहित डिलीवरी वैन का अनावरण करने की योजना बनाई है। उडेव इंक एक आत्म ड्राइविंग स्टार्टअप इस महीने कैलिफोर्निया में एक स्वायत्त डिलीवरी वाहन का परीक्षण कर रहा है। हालांकि न्यूरो सभी खातों से एक भद्दा नवागंतुक कुछ सड़क क्रेड है। सह संस्थापक जिया जूनझू जो द द्वारा चलाए जाते हैं वायमो पर काम करने वाले पहले अभियंताओं में से एक थे। गूगल अब वर्णमाला इंक द्वारा शुरू की गई आत्मचालन निकाय
जिसकी पीएचडी कार्नेगी मेलॉन से रोबोटिक्स में 2011 में वहां उनके साथ शामिल हो गए। वायमो छोड़ने के बाद जोड़ी ने बैनियन कैपिटल और ग्रियालॉक पार्टनर्स के नेतृत्व में दो दौरों पर 92 मिलियन की उद्यम पूंजी बनाई है, कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति। हालांकि अपने स्टाफ हो सकता है यह एप्पल, गूगल, टेस्ला और उबेर सहित बेरिया दिग्गजों के दर्जनों श्रमिकों को लुभाती है और यह उन्हें एक अपेक्षाकृत सरल मिशन दिया है, यात्रियों के बारे में चिंता मत करो। इसी तरह की रोबोट कारों की तुलना में निर्वाह वाहन पतला और धीमा है, दोनों ही अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, यह एक गलत बच्चे से बच सकता है, उदाहरण के लिए अपनी लेन छोड़ने के बिना। इस बीच यह कोई खास जल्दी नहीं है, फर्ग्यूसन ने कहा। इनमें से ज्यादातर चीजें मेरे दादा जैसी ड्राइव की तरह हैं। यदि कोई व्यक्ति वाहन के अंदर है तो वह कष्टप्रद है, अगर कोई भी वाहन के अंदर नहीं है तो यह वास्तव में एक सख्त सकारात्मक बात है। जैसे नूरो का मानना है कि कार्गो वाहनों में 30 या उससे अधिक संगठनों की तुलना में लाभ के लिए स्पष्ट तेज रास्ता है, जो संवेदनात्मक प्राणियों को शामिल करते हैं जो कि संकाय में उभर आए हों, फर्ग्यूसन ने कहा। यात्री स्वयं ड्राइविंग इन कंपनियों के लिए एक अस्तित्व वाला खतरा है, उन्हें इसे ठीक करना होगा, जबकि हमारे लिए कुछ चीजें हैं जिनकी हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आवेंटवियों के प्रबंध निदेशक अलेक्जेंडर हॉस, एक जर्मन स्व ड्राइविंग परामर्श को, उम्मीद है कि आत्म ड्राइविंग स्थान में खिलाड़ियों की संख्या जल्द ही चोटी और फिर जल्दी से हट जाएगी। पहले मूवर्स द्वारा आनंदित होने वाले नेटवर्क प्रभाव से क्षेत्र के बाकी हिस्सों को पकड़ना कठिन हो जाएगा, मुझे लगता है कि यह बहुत जल्दी बाहर हिला जाएगा, हार ने समझाया। विनिर्माण एक अनिवार्य हिस्सा है।